उरई के विकास भवन सभागार में मुहर्रम और गणेश पूजा को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर ने जिले भर से आए सभी वर्गों के साथ मिलकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की, जिसमें मुस्लिम वर्ग के लोगों ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए शासन से जारी की गई गाइडलाइन और निर्देशों का पालन करने की सहमति व्यक्त की। मौलाना ने जिलाधिकारी से मांग की है कि त्योहारों के दौरान बिजली, पानी, साफ सफाई की व्यवस्था उचित रहे, समय समय पर नगर पालिका द्वारा सैनिटाइजेशन भी किया जाए। वहीं जिलाधिकारी ने गणेश पूजा को लेकर हिंदू समाज के लोगों से अपील की कि शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का प्रयोग करें, इसके साथ ही कोई भी इस गाइडलाइन का उल्लंघन ना करे ताकि कोविड-19 पर आसानी से काबू पाया जा सके। जो बैठक जो मुहर्रम की हुई और गणेश पूजा की हुई, तो उसमें यही बात रखा गया है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हैं उनका पालन करते हुए कैसे इन त्योहारों को भी मनाया जाए, कैसे जो है गणेश पूजा में जो है अगर कोई भी सार्वजनिक जो है पंडाल ना लगाया जाए, अपने घरों में ही लोग उसको करें और भव्य तौर पे जो है ना करके जितने लोगों के रेस्ट्रिक्शंस हैं उस हिसाब से जो है लोगों को इकट्ठा होते हुए गणेश पूजा किया जाए और विसर्जन भी उसी प्रकार से जो है सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए। मुहर्रम में भी यही निर्देश दिए गए कि जो ताज़िए वगैरह बनते हैं वो भी अपने ही जो है जो पुराने जगह हैं वहीं बनाएं और उसको जो है पब्लिक एरिया में जो है ना लाएं, और जो दफन करने का जो उनकी प्रक्रिया होती है उसके लिए भी जो है शासन से परमिशन लेके जितने लोग अलाउड हो उसी प्रकार से उसको किया जाए, और जो शासन के निर्देश आगे आने वाले समय में भी आएंगे तो उनको भी जो है उन सबको उसके प्रति अवगत करा दिया जाएगा। तो ये उन सारी बातों को लेके जो है आज पीस कमेटी की बैठक हुई और ज़्यादातर लोगों ने उन सब चीज़ों को मान लिया है और मुझे लगता है कि शांति से जो है हम गणेश पूजा को मनाएंगे और जो मुहर्रम का मातम का दिवस होता है 10 दिन होते हैं उनको भी जो है हम लोग शांति से जो है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।